हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विवेक कुमार यूवी कंपटीशंस चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रोजाना की तरह मैं लेकर हाजिर हूं डेली करंट अफेयर्स जीके, जो कि आपका हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में अपडेट्स है। मेरे प्यारे साथियों, आज 19 मार्च 2019 के करंट अफेयर्स की हम बात करते हैं। साथियों, डेली करंट अफेयर्स के लिए यदि आपने हमारा चैनल यूवी कंपटीशन सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूवी कंपटीशन चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जैसे आपको हमारे द्वारा दिए गए अपडेट्स के नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसके साथ ही यदि आप राजस्थान जीके और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ने की इच्छा रखते हैं तो उसके लिए अनअकैडमी ऐप पर मुझे फॉलो करें। अनअकैडमी ऐप पर फॉलो करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल न्यूज, राष्ट्रीय समाचारों की। प्राइम मिनिस्टर ऑफ गुयाना डॉक्टर इब्राहिम कसोरी फोआना अराइव्ड इन न्यू दिल्ली ऑन ए 10-day ऑफिशियल विजिट टू इंडिया। ड्यूरिंग द विजिट मिस्टर फोफाना कॉल्ड ऑन प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद एट राष्ट्रपति भवन। ही आल्सो हैड ए मीटिंग विद वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू। मिस्टर फोफाना एड्रेस्ड द इनॉग्रल सेशन ऑफ 14th CII एक्जिम बैंक कॉन्क्लेव ऑन इंडिया अफ्रीका पार्टनरशिप प्रोजेक्ट इन न्यू दिल्ली। गिनी के प्रधानमंत्री डॉक्टर इब्राहिमा कासोरी फोफाना भारत की 10 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। यात्रा के दौरान श्री फोफाना ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की। उन्होंने उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के साथ भी एक बैठक की। श्री फोफाना ने नई दिल्ली में भारत अफ्रीका भागीदारी परियोजना पर 14वें CII एक्जिम बैंक कॉन्क्लेव के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया है। नेक्स्ट, हाइलाइटिंग द क्लोज मल्टीटाइम प्रॉक्सिमिटी बिटवीन इंडिया एंड इंडोनेशिया, इंडियन कोस्ट गार्ड शिप विजिट बिकम द फर्स्ट इवर कोस्ट गार्ड शिप टू विजिट सबांग इंडोनेशिया। ड्यूरिंग इट्स मैडन वोयाग ऑफिसर्स एंड क्रू ऑफ विजिट विल होल्ड इंट्रैक्शंस विद ऑफिशियल्स ऑफ बकमला इंडोनेशियन आर्म्ड फोर्सेस एंड द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन एट सबांग। रीड ए प्रेस रिलीज फ्रॉम इंडियन एम्बेसी इन जकार्ता। भारत और इंडोनेशिया के बीच निकट समुद्री निकटता को उजागर करते हुए भारतीय तटरक्षक जहाज विजित सबांग इंडोनेशिया की यात्रा करने वाला पहला तटरक्षक जहाज बन गया है। अपनी पहली यात्रा के दौरान विजित के अधिकारी और चालक दल बकामला इंडोनेशियाई सशस्त्र बल और संबंग के नागरिक प्रशासन के अधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे और जकार्ता में भारतीय दूतावास से एक प्रेस विज्ञप्ति पढ़ेंगे। नेक्स्ट, IIT रुड़की एंड इसरो हैव साइंड एन MOU टू डेवलप स्पेस टेक्नोलॉजी सेल्स ऑन द कैंपस ऑफ द वर्सिटी। IIT रुड़की इशूड ए स्टेटमेंट सेइंग द प्रीमियर टेक्नोलॉजी स्कूल हैज लिंक्ड एन MOU विद द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो टू सेटअप स्पेस टेक्नोलॉजी सेल्स। IIT रुड़की और इसरो ने वर्सिटी के परिसर में स्पेस टेक्नोलॉजी सेल विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। IIT रुड़की ने एक बयान जारी कर कहा कि प्रीमियर टेक्नोलॉजी स्कूल ने स्पेस टेक्नोलॉजी सेल्स को स्थापित करने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के साथ एक समझौता ज्ञापन AMOU जारी किया है। नेक्स्ट, द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट has signed a memorandum of understanding MOU with the Afghanistan government to work on digital education initiatives which include many prominent programs developed by Indian Institute of Technology IIT. मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने डिजिटल शिक्षा पहल पर काम करने के लिए अफगानिस्तान सरकार के साथ एक MOU समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें भारत प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा विकसित कई प्रमुख कार्यक्रम शामिल हैं। नेक्स्ट, द थर्ड एडिशन ऑफ नमस्ते थाईलैंड फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड बाय द रॉयल थाई एम्बेसी विद एन एम टू स्ट्रेंथन बायलेटरल टाइच एंड इंक्रीज कल्चरल एक्सचेंज बिटवीन इंडिया एंड थाईलैंड बिगन एट सेलेक्ट सिटी वॉक इन न्यू दिल्ली। द फेस्टिवल विल फीचर स्टेज परफॉर्मेंसेज बाय थाई आर्टिस्ट। भारत और थाईलैंड के बीच
द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ाने के उद्देश्य से रॉयल थाई दूतावास द्वारा आयोजित नमस्ते थाईलैंड त्यौहार का तीसरा संस्करण नई दिल्ली के सेलेक्ट सिटी वॉक में शुरू हुआ है। इस उत्सव में थाई कलाकारों द्वारा मंचीय प्रदर्शन किया जाएगा। नेक्स्ट आइए बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज अंतर्राष्ट्रीय समाचारों की। द फर्स्ट ब्रिक्स ब्राजील रसिया इंडिया चाइना एंड साउथ अफ्रीका शेरपा मीटिंग हेल्ड इन कुरिटिबा ब्राजील अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ ब्राजील। The Indian delegation was led by Secretary in the Ministry of External Affairs T.S. Trimurti. ब्राजील की अध्यक्षता के तहत क्यूरिटिबा ब्राजील में पहली ब्रिक्स ब्राजील रूस भारत चीन और दक्षिण अफ्रीका शेरपा बैठक आयोजित की गई है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश मंत्रालय के सचिव SS त्रिमूर्ति ने किया है। नेक्स्ट एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर सुषमा स्वराज लेफ्ट टू द मालदीव ऑन ए टू डे विजिट सीजी अकॉम्पेंड बाय फॉरेन सेक्रेटरी विजय गोखले एंड अदर ऑफिशियल्स। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज दो दिवसीय यात्रा पर मालदीव रवाना हुई। उनके साथ विदेश सचिव विजय गोखले और अन्य अधिकारी भी हैं। नेक्स्ट मोजेम्बिक्यू जिम्बाब्वे एंड मालावी हैव बीन हिट बाई ए विशियस साइक्लोन IDI दैट हैज किल्ड नियरली 150 पीपल लेफ्ट हंड्रेड्स मोर मिसिंग एंड स्टैंडर्ड डेड टेंस ऑफ थाउजेंड्स हु आर कट ऑफ फ्रॉम रोड्स एंड टेलीफोन्स इन मेनली पुअर रूरल एरियाज। मोजाम्बिक जिम्बाब्वे और मलावी एक भयानक चक्रवात IDAI की चपेट में आ गए हैं जिसमें लगभग 150 लोग मारे गए हैं, सैकड़ों और लोग लापता और फंसे हुए हैं। मुख्य रूप से गरीब ग्रामीण इलाकों में 10,000 लोग सड़कों और टेलीफोन से कटे हुए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं रैंक्स एंड रिपोर्ट्स रैंक और रिपोर्ट्स की। रिलायंस इंडस्ट्रीज CMD मुकेश अंबानी लीड्स फोर्ब्स लिस्ट ऑफ रिचेस्ट स्पोर्ट्स टीम ऑनर्स विद ए नेटवर्थ ऑफ अराउंड $50 बिलियन। अंबानी परचेज द IPL टीम मुंबई इंडियंस थ्रू ए RIL सब्सिडरी इन 2008 फॉर जस्ट ओवर $100 मिलियन। स्टीव बालमर नेटवर्थ अबाउट $41.2 बिलियन। द अमेरिकन बिजनेसमैन एंड डाइट रिच मटेचीज नेटवर्थ $18.9 बिलियन वर एट सेकेंड एंड थर्ड पोजिशन रेस्पेक्टिवली। रिलायंस इंडस्ट्रीज के CMD मुकेश अंबानी लगभग $50 बिलियन की संपत्ति के साथ फोर्ब्स की सबसे अमीर खेल टीम मालिकों की सूची में शीर्ष स्थान पर है। अंबानी ने 2008 में IPL टीम मुंबई इंडियंस को RIL की सहायक कंपनी के जरिए सिर्फ $100 मिलियन में खरीदा था। स्टीव बालमर जिसकी कुल संपत्ति $41.2 बिलियन है तथा अमेरिकन बिजनेसमैन और डिट्रिच मात्सिट्ज जिसकी कुल संपत्ति $18.9 बिलियन है सूची में क्रम से दूसरे और तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट टाटा रिलायंस एंड एयरटेल एमर्ज एज द टॉप 3 इंडियन ब्रांड्स ऑफ 2019 अकॉर्डिंग टू ए रिपोर्ट पब्लिश्ड बाई इंटर ब्रांड पार्ट ऑफ द ओमनीकॉम मीडिया ग्रुप के हिस्से इंटरब्रांड द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार टाटा रिलायंस और एयरटेल 2019 के शीर्ष 3 भारतीय ब्रांडों के रूप में उभरे हैं। नेक्स्ट आइए बात करते हैं बैंकिंग और बिजनेस न्यूज बैंकिंग और व्यापार समाचारों की। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI नेम्ड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI ICICI बैंक एंड HDFC बैंक एज डोमेस्टिक सिमेट्रिकली इंपॉर्टेंट बैंक DSIB which in other words mean bank that are too big to fail। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने भारतीय स्टेट बैंक ICICI बैंक और HDFC बैंक को घरेलू प्रणाली बंद महत्वपूर्ण बैंक के रूप में नामित किया है जिसका अर्थ है कि बैंक विफल होने के लिए बहुत बड़े हैं। नेक्स्ट द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड ए न्यू सर्विस कॉल्ड योनो कैश फॉर इट्स कस्टमर्स यूजिंग विच कस्टमर्स कैन विदड्रॉ मनी फ्रॉम ATMs विदाउट यूजिंग डेबिट कार्ड्स। दिस फैसिलिटी इज अवेलेबल ओवर 60,500 ऑफ इट्स ATMs थ्रू द यू ओनली नीड वन मोबाइल ऐप प्लेटफॉर्म। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री द ATMs इनेबल्ड फॉर दिस सर्विस विल बी कॉल्ड एज योनो कैश पॉइंट।
भारतीय स्टेट बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए योनो कैश नाम से एक नई सेवा शुरू की है, जिसमें ग्राहक डेबिट कार्ड का उपयोग किए बिना एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं। यह सुविधा देश में पहली बार यू ओनली नीड वन योनो मोबाइल ऐप प्लेटफॉर्म के माध्यम से इसके 16,500 से अधिक एटीएम में उपलब्ध है। इस सेवा के लिए सक्षम एटीएम को योनो कैश पॉइंट कहा जाएगा। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट हैज अनाउंस्ड दैट इट हैज पार्टनर विद द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स टू प्रमोट इट्स प्रोजेक्ट संगम विच इज डेवलप्ड टू एक्सेलरेट स्वच्छ भारत मिशन इन इंडिया। माइक्रोसॉफ्ट ने घोषणा की है कि उसने अपने प्रोजेक्ट संगम को बढ़ावा देने के लिए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के साथ भागीदारी की है। संगम को भारत में स्वच्छ भारत मिशन में तेजी लाने के लिए विकसित किया गया है। नेक्स्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रोवाइडेड नो ऑब्जेक्शन टू बंधन बैंक फॉर द प्रपोज्ड एक्विजिशन ऑफ ग्रुप फाइनेंस। ग्रुप फाइनेंस लिमिटेड इज एन अहमदाबाद हेडक्वार्टर्ड सब्सिडरी ऑफ HDFC लिमिटेड। भारतीय रिजर्व बैंक ने गृह फाइनेंस के प्रस्तावित अधिग्रहण के लिए बंधन बैंक को अनापति दी है। गृह फाइनेंस लिमिटेड HDFC लिमिटेड की अहमदाबाद में मुख्यालय वाली सहायक कंपनी है। नेक्स्ट, ICICI लोम्बार्ड एंड मोबिक्विक अनाउंस्ड ए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप टू प्रोवाइड साइबर इंश्योरेंस कवर। द रिलेशनशिप एम्स टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनऑथराइज्ड एंड फ्रॉडुलेंट ट्रांजेक्शन ऑनलाइन अक्रॉस बैंक अकाउंट डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड एंड मोबाइल वॉलेट। मोबिक्विक यूजर्स कैन अवेल द कमर्शियल साइबर इंश्योरेंस पॉलिसी अंडररिटन बाय ICICI लोम्बार्ड एंड एन्जॉय द बेनिफिट ऑफ स्ट्रेस फ्री एंड सिक्योर ट्रांजेक्शन। ICICI लोम्बार्ड और मोबिक्विक ने साइबर बीमा कवर प्रदान करने के लिए एक रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है। इस संबंध का उद्देश्य बैंक खातों, डेबिट और क्रेडिट कार्डों और मोबाइल वॉलेट में ऑनलाइन अधिकृत और धोखाधड़ी वाले लेनदेन से सुरक्षा प्रदान करना है। मोबिक्विक उपयोगकर्ता ICICI लोम्बार्ड द्वारा लिखी गई वाणिज्यिक साइबर बीमा पॉलिसी का लाभ उठा सकते हैं और तनाव मुक्त और सुरक्षित लेनदेन का लाभ उठा सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं स्पोर्ट्स न्यूज खेल समाचारों की। 18-year-old दीक्षा डागर हैज बिकम द सेकेंड इंडियन टू विन एन इवेंट ऑन लेडीज यूरोपियन टूर आफ्टर क्लिंचिंग साउथ अफ्रीकन वुमेन्स ओपन इन केप टाउन। अदिति अशोक वाल द फर्स्ट इंडियन टू विन ऑन द लेडीज यूरोपियन टूर आफ्टर क्लिंचिंग हीरो वुमेन्स इंडियन ओपन इन गुरुग्राम इन 2016। 18 वर्षीय दीक्षा डागर केप टाउन में दक्षिणी अफ्रीकी महिला ओपन के बाद लेडीज यूरोपियन टूर में एक इवेंट जीतने वाली दूसरी भारतीय बन गई है। अदिति अशोक 2016 में गुरुग्राम में हीरो महिला इंडियन ओपन जीतने के बाद लेडीज यूरोपियन टूर पर जीतने वाली पहली भारतीय थी। नेक्स्ट, मर्सिडीज वैलेंटरी बोटास बीट हिज वर्ल्ड चैंपियन टीम मैट लेविस हैमिल्टन टू क्लिंच द सीजन ओपनिंग ऑस्ट्रेलियन फॉर्मूला वन ग्रांड प्रिक्स। हैमिल्टन फिनिश्ड द रेस इन द सेकेंड स्पॉट वाइल रेड बुल्स मैक्स वर्स्टपन फिनिश्ड थर्ड। मर्सिडीज के वाल्टेरी बोटास ने अपने विश्व चैंपियन साथी खिलाड़ी लुइस हैमिल्टन को हराकर सत्र के शुरुआती ऑस्ट्रेलियाई फॉर्मूला वन ग्रांड प्री का खिताब हासिल किया है। हैमिल्टन ने दूसरे स्थान पर दौड़ पूरी की जबकि रेड बुल के मैक्स वर्स्टपन तीसरे स्थान पर रहे हैं। नेक्स्ट, ऑब्टूरीज और निधन की बात की जाए तो मनोहर पारिकर गोवा चीफ मिनिस्टर एंड फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर हैज पास्ड अवे एट द एज ऑफ 63 आफ्टर ए लॉन्ग बैटल विद पैनक्रेटिक कैंसर। पारिकर वाज डायग्नोस्ड विद एडवांस्ड पैनक्रेटिक कैंसर इन फेब्रुअरी 2018। ही वाज एन IIT मुंबई ग्रेजुएट इन मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग एंड अमोंग द फर्स्ट मेंबर ऑफ BJP इन गोवा। गोवा के मुख्यमंत्री और पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर का 63 वर्ष की आयु में अग्नाशय के कैंसर से लंबी लड़ाई के बाद निधन हो गया है। पारिकर को फरवरी 2018 में अग्नाशय के कैंसर का पता चला था। वे धातुकर्म इंजीनियरिंग में एक IIT मुंबई स्नातक और गोवा में भाजपा के पहले सदस्यों में से एक थे। तो मेरे प्यारे साथियों, ये था आज के मुख्य समाचार जो कि आपका करंट अफेयर्स है, सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब UV कंपटीशन चैनल और आल्सो फॉलो मी ऑन अकेडमी इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।